ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज हमारे 17वें दिन के 17 मई के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमेशा की तरह ही हमें इस आध्यात्मिक 4 पेज की पाठशाला की शिक्षा में, हर दिन की शिक्षा जो मिलती है उसके अंत में हमें एक ब्लेसिंग मिलती है जिसको हम कहते हैं वरदान। उस वरदान में हमें समझाते हैं एक गुरु बन करके, गाइड बन करके, कैसे अपने मन को चलाओ, क्या चीज़ करो क्या चीज़ ना करो। तो देखिए आज परमात्मा कहते क्या है। बाबा कहते हैं, यथार्थ विधि द्वारा, जो सच्ची विधि है, जो सच्चा तरीका है, उसके द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर। व्यर्थ की बातें जो आती है हमारे अंदर, क्यों, क्या, कैसे, इसने क्यों किया, इसने ऐसे क्यों बोल दिया मेरे साथ में, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैंने क्या किया आज जीवन की, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में, मेरे को धन की कमी क्यों हो रही है, धन होते हुए भी सुख क्यों नहीं है, ये क्वेश्चंस क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसने, ये सब हैं व्यर्थ के संकल्प। लेकिन जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो हमें पता चलता है हमारा पास्ट क्या था, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हमने पास्ट में क्या किया जिसको हम अभी भोग रहे हैं, और अच्छे कर्म क्या किए जिसको भी हम, जिसका सुख पा रहे हैं, और अभी क्या करना है जिससे कि हमारा भविष्य ठीक हो जाए। तो ये 4 पेज की जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है उसमें ये सारे राज छुपे होते हैं। हर दिन थोड़े थोड़े राज मिलते हैं और ब्लेसिंग हमें बता देती है कि कैसे हमें व्यर्थ को समाप्त करना है, जैसे आज परमात्मा कह रहे हैं। तो यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर, नंबर 1 लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप भवा। और नंबर 1 कहाँ से आ गया, वो तो क्लास में होता है, कॉलेज में होता है, पाठशाला में होता है, लेकिन ये भी क्या है, आपकी आध्यात्मिक पाठशाला। ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम आध्यात्म सीखते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, आत्मा के सत्य को जानते हैं। तो यहाँ पर भी हम नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 10 या नंबर 100 ले सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार के स्टूडेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो विस्तार में चलें, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, लाइट ऑन करी अंधकार खत्म, वैसे ही हमारे मन के अंदर भी अंधकार है, क्वेश्चन है बहुत सारे, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये सारे प्रश्न जब आते हैं इसका मतलब हमारे मन के अंदर विवेक, विजडम की कमी है, ज्ञान की कमी है, जिस कारण से क्यों, क्या, कैसे आता है। तो जब हम 7 डेज का कोर्स करते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें तो आस्ते आस्ते हमें आंसर्स मिलने शुरू होते हैं और हम समझना शुरू करते हैं, अच्छा ये लॉज है, ये रूल्स है, ऐसे दुनिया बनी थी, ये ऐसे शुरुआत हुई थी, फिर हमने ये किया पिछले जन्मों में, फिर अब ये कर रहे हैं, अब आगे ये होने वाला है। तो हमारे अंदर सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं एक एक करके। तो परमात्मा कहते हैं, वैसे हमारे जीवन में क्या है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर आप अपना समय सही सोच में, संकल्प क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, और आपके जो श्वास हैं जो कि आप अपनी हर सेकेंड श्वास ले रहे हो, या तो आप नेगेटिव सोचने में या पॉजिटिव सोचने में, तो आपका हर श्वास सफल हो या विफल हो, आप फेल हो रहे हैं आप पास हो रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है तो हम मेडिटेशन के द्वारा हर सेकंड अपने संकल्पों को राइट दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली, लॉजिकली और ज्ञान की मदद से। फिर परमात्मा तो कहते हैं, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम किसी व्यर्थ में हम जा ही नहीं रहे, तो व्यर्थ संकल्पों की ट्रेन नहीं लगेगी, अंधकार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। अगर आप धन को भी कहीं गलत जगह लगा लेते हो जिससे कि किसी का नुकसान हो जाता है, तो बददुआएं मिल जाती हैं। तो आपने क्या किया, आपने उसको यथार्थ तरीके से यूज़ नहीं किया धन को। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं, अगर आपने अपने संकल्पों को, समय को, अगर आपने यथार्थ रीति से यूज़ नहीं किया, तो आपने अपनी श्वासें जो आप ले रहे हैं आपके, क्योंकि आपका टाइम तो कम है ना, लिमिटेड है ना, हर एक का टाइम लिमिटेड है। हम बर्थडेज बनाते हैं, लेकिन बर्थडेज का मतलब ये हुआ कि हमारा मृत्यु का दिन जो है, हमारा मृत्यु का दिन वो समीप आ रहा है। तो आप हर साल बर्थडे बनाते हैं, हर साल आप सेलिब्रेट करते हैं कि हम और नज़दीक आए मृत्यु के, और नज़दीक आए मृत्यु के। तो हर श्वास आपकी बहुत कीमती है, मेरी भी कीमती है। तो हम उसको कैसे, किस संकल्प को यूज़ करके, क्या चीज़ करके हम करना चाहते हैं, कैसे सफल करें, ये भी सोचना ज़रूरी है। सिर्फ पैसे कैसे सफल करें नहीं, संकल्प श्वास कैसे सफल करें, आज इंसान को ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। वे परमात्मा कहते हैं, उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो कि सही दिशा में चलते हैं, सही संकल्प करते हैं, उनके पास में व्यर्थ, अगर कोई सोचता भी, कोई बोलता भी है व्यर्थ बातें बोलता है, वो 1 सेकंड में उससे दूर हो जाते हैं, उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि इनकी ऑरा, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल की हो जाती है। उन्हें व्यर्थ को समाप्त करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यही परमात्मा सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले जो रिद्धि सिद्धि करते हैं, जादू करते हैं, वो क्या करते हैं, फूक मारते हैं, हाथ में घड़ी आ गई, फूक मारते हैं, हाथ के अंदर आपके विभूति आ गई, फूक मारते हैं आपके अंदर, हाथ के अंदर आपके गहने आ गए, मोती आ गए, सोने की चेन आ गई। परमात्मा कहते हैं वो तो आप वो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या आप सारी दुनिया के लिए कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वो चमत्कार देख करके हम बोलते हैं कि ये बाबा जो हैं, ये गुरु जी जो हैं, इनके द्वारा मुझे सुख मिले, शांति मिले, इनके अगर चरण स्पर्श करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। उन्होंने तो वो चमत्कार दिखाया, भरोसा आपने किया, लेकिन क्या वो सारा धन संपत्ति आने से क्या आप सदा के लिए सुख रहेंगे? क्या आपके आजू बाजू वाले ईर्ष्या नहीं करेंगे? क्या आपके अंदर लोभ नहीं आएगा? क्या आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा? अगर आपके अंदर ये अहंकार आया, लोभ आया, किसी की ईर्ष्या बढ़ी आपके द्वारा, तो परमात्मा ने कहा है कि आपने अपने श्वासों को सफल नहीं किया, आपने अपवित्रता फैलाई। तो वो तो रिद्धि सिद्धि दिखा देते हैं अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का चमत्कार, थोड़े समय का चमत्कार दिखाते हैं, और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करते हो कि हाँ वो सब कुछ धन संपत्ति चलो ठीक है आपने कर ली, लेकिन अगर आपके अंदर लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो आप फिर भी तड़फ रहे हो, आपके अंदर सुखी नहीं है, शांति नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही, आपको ये लग रहा है कि बाजू वाले के पास में कैसे आ गया रात भर, आप सो नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो कि उसके पास में इतना धन कैसे आ गया भाई, उसने गाड़ी कहाँ से खरीद ली, आप दिन भर उसी चिंता में हो, चिंतन में हो। परमात्मा कहते हैं ये तो सुख का जीवन नहीं हुआ, ये शांति का जीवन नहीं हुआ। तो रिद्धि सिद्धि लेकर के आपने धन संपत्ति कमा ली, कुछ भी कर लिया आपने, लेकिन जो सही रिद्धि है, जो सही सिद्धि है, वो क्या है कि आप अपने मन को व्यर्थ से अलग करें और समर्थ बनाएं, ताकि हो धन ना हो लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल शांत हैं, खुश हैं, सुखी हैं। वो करते कैसे, उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के 7 डे का कोर्स करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ओम शांति।